हेलो एवरीबॉडी, कैसी है पब्लिक। सो आज हम लोग एक नया वीडियो लेके आए अडानी विल मार शेयर के ऊपर। ओके, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर देखा जाए अडानी विल मार ने एक लो परफॉर्म करा था, एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने मिला और एक क्लियर डाउन ट्रेंड में स्टॉक चलता हुआ चला आ रहा है। सो क्या ये स्टॉक और नीचे जाएगा, या ये स्टॉक 2380 के लेवल तक पहुंच जाएगा, या ये वापस से रिकवरी दिखाने की कोशिश करने वाला है मंडे वाले ट्रेडिंग सेशन में, पूरी डिटेल में एनालिसिस करके आप लोग को सब पूरी बताएंगे, जानकारी देंगे। सो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो कर दीजिएगा लाइक अगर वीडियो अच्छा लगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग देखें अडानी विल मार का, पहले प्राइस एक्शन के ट्रेंड को समझते हैं। ठीक, देखिए मार्केट के ट्रेंड को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज बिना मार्केट ट्रेंड समझे अगर आप लोग एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे उसमें अगर ट्रेंड के अगेंस्ट हो गया सो आपका बड़ा लॉस हो सकता है। सो ट्रेंड एनालाइज करना पहला काम होता है एक प्राइस एक्शन ट्रेडर का। देखिए लगातार इसमें पहले तो अप ट्रेंड वापस, पहले डाउन ट्रेंड आया था, वी शेप रिकवरी तो नहीं थी एकदम शार्प, बट एक शार्प सेलिंग के बाद एक धीरे धीरे स्लो एंड स्टडीज ने अपर सर्किट करते करते एक रिकवरी दिखाने की कोशिश करी है। ठीक, इस रिकवरी के बाद अगर आप लोग देखें वापस मार्केट साइडवेज टू नेगेटिव हो गई। क्या हो गई? साइडवेज टू नेगेटिव। साइडवेज टू नेगेटिव माने होता है कि मतलब कि मार्केट धीरे धीरे साइडवेज रहे, बट धीरे धीरे नेगेटिव स्लोपिंग और डाउनसाइड के लिए। ओके, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने ब्रेकआउट तो दिया था बट उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, हायर लेवल से इसको वापस रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। सो मंडे को क्या हो सकता है वो डिटेल में एक्सेस करके आप लोग बताने वाले हैं। अभी हम लोग देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मार्क करेंगे और देखेंगे मार्केट कहां से रिजेक्ट कर रहा था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। देखिए मार्केट ने बार बार इस पॉइंट से रिजेक्शन देखने को मिला हम लोग को, ये इसका बहुत ही हाई सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन माने तो प्राइस एक्शन बोलते हैं सप्लाई जोन, बट अगर नॉर्मल भाषा में बोले प्राइस एक्शन बेसिस में एकदम रेजिस्टेंस एरिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया रहने वाला है। मंडे वाले दिन ट्रेडिंग सेशन में भी हम लोग को यहां पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, बिकॉज यहां पर एक हाई ओआई डेटा बैठा हुआ है, हाई वॉल्यूम में ओआई बैठा हुआ है जो कि मार्केट को डाउनसाइड पुश करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। सेलर्स बहुत हैं इस एरिया पे। ओके, जैसे प्राइस वहां पे जाता है लोग सेल करने बैठ जाते हैं। और अगर सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो सपोर्ट हम लोग का निकलता हुआ आ रहा है 400 के आसपास। ओके, बिकॉज 400 एक तो राउंड ऑफ लेवल हम लोग का पड़ता है, राउंड ऑफ लेवल का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है वो आप लोग भी जानते होंगे, राउंड ऑफ लेवल बहुत ही तगड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केट में। ओके, एक तो ये बात हो गई सपोर्ट और वो सप्लाई जोन और डिमांड जोन की, हम लोगों ने आप लोगों को पूरी बता दी है। और अब बात करते हैं मंडे को क्या देखने को मिलने वाला है, उसको देखने के लिए हम लोग वीकली कैंडल क्लोजिंग हो चुकी है फ्राइडे को, सो वीकली कैंडल पे चलते हैं। वन वीक की कैंडल देखते हैं क्या हम लोग को दिखा रही है। देखिए वन वीक की कैंडल, ये जो वीकेंड है पूरा हम लोग को नेगेटिव इंपैक्ट दिखा रही है, बिकॉज देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हम लोग को यहाँ शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन देखने को मिल रहा था, उससे पहले एक डोजी पे डोजी बना रहा था, मतलब इनडिसीजन दिखाता जा रहा था। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मतलब लास्ट वीकेंड में इसने यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल दी जिसका क्लियर कट टू कट इंपैक्ट हम लोग को इस वीक देखने को मिला था, जो कि एक नेगेटिव इंपैक्ट रहा पूरे वीकेंड। ओके, सो अब जो इस वीकेंड आने वाला है, ये जो अब मंडे से वीक स्टार्ट होने वाला है, मंडे टू नेक्स्ट सैटरडे तक हम लोग को वापस एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलने वाला है, बिकॉज ये इस नेगेटिव कैंडल की वजह से। और अगर 400 के नीचे ब्रेकडाउन देता है तो 400 के नीचे जैसे निकलेगा हम लोग को एक अच्छी खासी तगड़ी वॉल्यूम में सेलिंग देखने को वापस इनिशिएट होने को मिलेगी इसमें। सो आप लोग थोड़ा इस लेवल्स को माइंड में रखते हुए ट्रेड करिएगा, ताकि आप लोग कोई भी भारी नुकसान ना देखने को मिले, ना आप लोग कर पाए भारी नुकसान। ओके, सो भारी नुकसान से बचें, लेवल पर ध्यान दें और अपने लेवल जो भी अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो प्राइस एक्शन बेसिस को माइंड में रखते हुए, माइंड मैनेज करते हुए, माइंड को मेकअप करते हुए उसके बाद ही कुछ ट्रेड में एग्जीक्यूट एंट्री लें। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को नहीं करा होगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को डेली ऐसे अप टू डेट वीडियोस मिलते रहे। सो धन्यवाद जनता फॉर वॉचिंग टुडेस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल।